हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल। आप सभी को लग रहा होगा कि ये बैक टू बैक कैसे काम हो रहा है ना, कि वीडियो कल भी आई थी, आज भी वीडियो आ गई, ऐसा कैसे चल रहा है, सर क्या कर रहे हैं? भाई देखो, सिंपल है, हमने बीच में काफ़ी सारे दिन जो हैं वो व्यर्थ कर दिए, हो गए व्यर्थ, कर नहीं दिए, जब जानबूझ कर नहीं गए, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हो गए। तो अब परिस्थितियों को तो हम बदल नहीं सकते, पिछले जो समय बीत गया उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय का हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आने वाले समय में हम चेंज करेंगे, शुरुआत हम करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक सर्वे से। कहेंगे सर इकोनॉमिक सर्वे नेक्स्ट ईयर आएगा, अभी क्यों पढ़ा रहे हो? सिंपल, तीन रीज़न। पहला, यहाँ से डेटा मिलेगा, डेटा कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होता। अगर इस बार इंडिया का जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है, GVA है, वो 3.5 है, तो नेक्स्ट ईयर या तो वो 3.7 होगा या वो 3.3 होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि 3.5 से आपका 37 हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अभी के साथ इस डेटा को याद करते जाएंगे, मसल मेमोरी में आएगा, अच्छा रहेगा। सेकेंड कीवर्ड, दुनिया ने आपको बोलते सुना होगा ना कि सर कीवर्ड पढ़ो, कीवर्ड पढ़ो, कीवर्ड के लिए द हिंदू पढ़ना, XYZ न्यूज़पेपर लेना, फलाना फलानी क्लास लेनी है, कुछ नहीं लेना, आप आपकी इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ो, 50+ कीवर्ड मैं याद करवा के दूंगा, कभी भूल नहीं सकोगे। देन थर्ड, कई लोग बोलते हैं कि सर हमें ना लिखना नहीं आता, राइटिंग, आंसर राइटिंग स्किल है ना, राइटिंग, हमारे पास आंसर राइटिंग स्किल नहीं है, वो आंसर राइटिंग स्किल यहाँ से डेवलप होगी, डोंट वरी। एक एक करके चीज़ों को देखेंगे और डायरेक्ट आंसर्स फ्रेम होंगे, ठीक है? जब आप क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, तब आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी कई लोगों को लगा होगा कि सर ठीक है, आप इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हो, मना नहीं करते, लेकिन अपन बाद में देखेंगे, नए वाला देखेंगे, और किसी का देखेंगे, तो भाई कोई बात नहीं। लेकिन जो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी वन स्टेप अहेड देन रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम जिन्होंने वीडियो अभी क्विट कर दिया या कर देंगे अगले 2-3 मिनट के अंदर। चलिए, वैसे भी आप वीडियोस को अंदर जब स्क्रॉल करते हो ना यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, तब घंटों घंटों लगा देते हो, लेकिन एक वीडियो जो है जो आपकी नॉलेज की एनहांस करेगी, उसमें बहुत दिक्कत आती है ना। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन सार सब की PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी एकदम हाईलाइटेड पोर्शन के साथ। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या। सभी बोलते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। देखो मैं पूरा नहीं करवाऊंगा और उसका मतलब भी नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ेंगे तो फिर तो मतलब दुनिया ही खत्म हो जाएगी, है ना। कलयुग भी खत्म हो गया, दोबारा से सतयुग आ जाएगा, तब भी हम बैठ के इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं करना। अपने को नॉलेज लेनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, अपने आपकी स्किल एनहांस करनी है। कौन प्रिपेयर करता है, हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे, किसकी मजाल है, यह तो याद करो, या मैं बोलता हूँ समझो, सिंपल बात है। ये क्या है, इकोनॉमिक है ना, ठीक है। कोई ना कोई विभाग तैयार करेगा, विभाग का क्या नाम होता है, डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये किसी का काम है, अफेयर्स हैं किसी के काम है, बहुत बढ़िया, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, सिंपल है ना। और सलाह कौन देगा, जो सबसे बड़ा होगा, चीफ होगा, है ना, बोलते हैं ना ओके चीफ, हम आपकी बात मानते हैं, तो सबसे चीफ होगा, किस चीज़ का चीफ होगा, गाड़ी का, घोड़े का, बंगले का, इकोनॉमी का होगा, बहुत बढ़िया। क्या करेगा, सलाह देगा, एडवाइस देगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है, किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। और सलाह कौन देता है, सलाह देता है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, एज सिंपल एज दैट। ये तो कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड है, लेकिन कुछ तड़कता भड़कता क्या, कि ये शॉर्ट और मीडियम टर्म को बताता है। नेक्स्ट ईयर भी आपका इकोनॉमिक सर्वे शॉर्ट मीडियम को छोड़ के ऐसा नहीं आएगा कि ये 100 साल आगे की भविष्यवाणी कर देगा, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते, शॉर्ट और मीडियम टर्म परस्पेक्टिव बताता है। नेक्स्ट ईयर भी आप यही पढ़ेंगे, इस बार भी यही पढ़ रहे हैं, कोई चेंज है ही नहीं, बहुत बढ़िया। देन आपके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, यहाँ आपके कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला, ट्रेडिशनल वाटरफॉल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल वाटरफॉल अप्रोच क्या होती है, पुराने ज़माने वाली अप्रोच, जैसे कि सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे, अच्छी अप्रोच है ये, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम देखेंगे नई वाली अप्रोच। ट्रेडिशनल ये कीवर्ड के क्राइटेरिया में आ जाते हैं, लिख सकते हैं इनको अलग से, ट्रेडिशनल वाटरफॉल अप्रोच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे से, देन उसके बाद हम प्लान बनाएंगे, उस प्लान को फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई गलती है इसमें, नहीं बिल्कुल नहीं। देन एक और अप्रोच है जिसका नाम है एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच में क्या है कि भाई हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट के साथ हम फीडबैक लेंगे, फीडबैक के साथ हम बहुत ही तगड़ी मॉनिटरिंग करेंगे, रियल टाइम वाली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जब कोई मॉनिटर कर रहे हैं तो फीडबैक लेंगे, और फीडबैक से हम अपने आप को अडाप्ट करेंगे नई चीज़ों में, तो हमारा रिस्पॉन्स जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा, हम समय के साथ अपनी पॉलिसीज को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एजाइल अप्रोच। तो अब कौन सी अप्रोच बढ़िया, ट्रेडिशनल वाटरफॉल या एजाइल? बिल्कुल एजाइल अप्रोच बढ़िया है। तो जब आप कंक्लूजन में लिखेंगे गवर्नेंस के अंदर, तो लिखिएगा
कि ट्रेडिशनल वाटरफॉल अप्रोच की जगह इंडिया ने अजाइल अप्रोच अपनाई है जो कि बहुत अच्छी है, या फिर हमें अपनानी चाहिए ट्रेडिशनल वाटरफॉल अप्रोच की जगह, यही कीवर्ड होते हैं और यही आपको मार्क्स दिलाएंगे। देन कभी भी रिफॉर्म्स नहीं लिखना। एक और आपको बात ज्ञान की बताता हूँ, रिफॉर्म्स नहीं लिखना, या तो आपको न्यू एज रिफॉर्म लिखना या ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स। कौन से? या तो न्यू एज रिफॉर्म्स लिखना है या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स, बात वही है लेकिन आपकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। देन हमारे पास कुछ ऐसे जादू हैं जो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म ग्रोथ मैग्नेट हैं। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक होता है ना, सारे लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंडिया के पास ऐसे तगड़े मैग्नेट हैं जो ग्रोथ को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब इंडिया अपने आप में ग्रोथ होती जा रही है इंडिया की, देखते हैं कैसे। इससे पहले हम इंडिया की ग्रोथ की तरफ और आगे बढ़ें, एक छोटा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं हमारे इंडियन इकॉनमी का, ठीक है। स्नैपशॉट क्या है? देखो भाई, सिंपल है, ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए और इस फैक्ट को डेली बोलो, बोलो इसको डेली, ठीक है, तब मसल मेमोरी में जाएगा। दो तरह के बच्चे होते हैं ना, मैंने बताया था, टैलेंटेड और एवरेज वाले। एवरेज वाले मतलब हार्ड वर्किंग, तो हम हार्ड वर्किंग है तो डेली बोलो इसको, ठीक है, डेली बोलो। क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिशिट, वित्तीय घाटा क्या होता है, मतलब कि सपोज़ जैसे आपके घर में अगर मान लो आमदनी कम हो और खर्चा ज़्यादा हो, घाटा है ना, वो होता है बजटरी डेफिशिएट। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हम आगे चल के देखेंगे इकोनॉमी को, जब हम बेसिक को देखेंगे इसका भी, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हमारे जो है ना इकोनॉमिक सर्वे होगा ही नहीं। खैर, फिस्कल डेफिशिएट घाटे का एक प्रकार है। तो उसमें क्या है, पहले हमारा घाटा कितना था, 9.2% ऑफ GDP, अब 6.4% ऑफ GDP, अभी कितना है, 6.4। वित्तीय घाटा कितना है, 6.4। फिस्कल डेफिसिट कितना है, 6.4, याद कीजिए, 6.4। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, वो भी हमारा 607 था पहले, उसके बाद 563 बिलियन डॉलर हो गया, US बिलियन डॉलर, ये को इसको आप लगभग बोल सकते हो 60 बिलियन US डॉलर, ठीक है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो सॉरी 60 बोल रहा हूँ, 600 लिख 600 रहा हूँ और बोल 60 रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो 600 आपको याद रखना है कि 600 के पास इंडिया का जो ना फॉरेक्स रिजर्व रहता है, अच्छी बात है। देन हमारा GDP ग्रोथ रेट 8.7, देन 6 to 6.8, 8.7 को भूल जाना, 6 to 6.8 याद रखना, कितना, 6 to 6.8, ये कितना था, 6.4। फिस्कल डेफिशिएट था 6.4, हमारी ग्रोथ रेट है 6 to 6.8, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 600 बिलियन डॉलर, अच्छी बात है। हमारी सर्विसेज कितने अच्छे से इंक्रीज़ कर रही हैं, 9.1% ऑफ GVA, ठीक है, 9.1% सर्विस कितनी है, 9.1। एक और ऐसा ही चमत्कार दिखाता हूँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है, 4.1, वो थी 9.1 है ना, 9.1, और ये कितना है, 4.1 है ना, सिर्फ 5 का डिफरेंस है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो हमारा एग्रीकल्चर और बाकी अलाइड एक्टिविटीज़ कितनी है, 3.5, पहले भी डिस्कस किया मैंने, 3.5। अब मेरे को ज़रा सा सोच के बताओ, गैप लो, रेस्ट लो, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना है, 6.4, बहुत अच्छे है ना, देन 6.4 ही है ना, कहीं मैं ही भूल जाऊँ, नहीं 6.4 है। देन आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 600 बिलियन डॉलर के आसपास है। हमारा GDP ग्रोथ रेट कितना है, 6 to 6.8 के बीच में है, अच्छी बात है। हमारा सर्विस सेक्टर कितना है, 9.1, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना है, 4.1, हमारा एग्रीकल्चर कितना है, 3.5। इसको बार बार बोलते रहिएगा, किसी के भी साथ बात करें, ये बेनिफिट कहाँ पे होगा है ना, मैं पहले से बताता हूँ सबको, अगर किसी के पास गन और चाकू है तो कौन जीतेगा, गन वाला, लेकिन चाकू वाला जीतेगा कब, जब गन वाले को गन चलानी नहीं आती होगी और चाकू वाले को चाकू चलाना आता होगा। मैं आपको गन चलानी सिखा रहा हूँ, ठीक है, जब आप किसी भी आंसर को लिखना शुरू करेंगे कि हमारी इकॉनमी ना तुर्रम खा है, हम की इकॉनमी में किसी से नहीं दबते, तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिखोगे, हमारा फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज़ हो रहा है सर, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भर भर के पड़ा है, हमारे ग्रोथ रेट ज़बरदस्त है, हम इंडस्ट्री में भी ग्रोथ कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ कर रहे हैं, हम सर्विस में भी ग्रोथ कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ ग्रोथ से लबालब है और हमारा फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज़ हो रहा है। ये बात आप लिखेंगे, आपकी बात मानी जाएगी, वरना आप लिख देना कुछ भी नहीं लिख सकते है ना, यही चीज़ यहाँ पे है। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले यही है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद लिखना कभी, कि व्हाट आर द चैलेंजेस अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, और कोविड के अलावा कोई सोच ले, कोविड और ट्रेड वॉर, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ों को ज़रा सा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, अच्छे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, कोविड आया तो क्या हुआ, काम नहीं हुआ, सारी इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का। देन
इसका बेनिफिट उठाया रशिया और यूक्रेन ने। रशिया यूक्रेन बोले चलो अपन खाली बैठे हैं, सारी दुनिया आराम से बैठी है, अपन लड़ लेते हैं, है ना, लोकल इन मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये लग गए लड़ने। अभी इन्होंने लड़ाई करी, कब हुई, फेब 2022 के अंदर लड़ाई करी, कोविड का ना कोविड कब आया, कोविड-19 सबको पता ही है। इसके अंदर क्या हुआ, जब युद्ध होता है तो एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, अब ये मत पूछना क्यों होते हैं, ठीक है, तो कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई। अब इसको क्या बोलते हैं, जब प्राइसेस इंक्रीज़ होना चाहिए, महंगाई बढ़ गई, भाई महंगाई बढ़ गई तो क्या है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया, अच्छी बात है इन्फ्लेशन हो गया। देन अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, सरकार अपने पास रखेगी पैसा, सरकार बोलेगी मुझे चाहिए पैसा पैसा पैसा, तो गवर्नमेंट क्यों अपने पास पैसा रखेगी। सपोज़ अगर पहले कोई गाड़ी है 5 लाख की है और किसी के पास 10 लाख है, तो वो 5 लाख प्लस में 1 लाख की टिप दे के आएगा, बोलेगा जा ऐश कर, ठीक है, इतना बड़ा दिल नहीं देखा होगा तूने। लेकिन अब अगर किसी के पास 5 लाख की गाड़ी है और किसी के पास है 3 लाख, तो क्या बोलेगा, यार अपने पास तो 3 लाख ही है, तो गाड़ी का जो मार्केट का ओनर है वो क्या बोलेगा, यार 5 की जगह एक काम कर 4.5 दे दे, बोलेगा नहीं मैं तो 3 है, बोलेगा चल ले जा यार तू भी क्या याद रखेगा 3 में ले जा। तो महंगाई जो थी वो कम हो रही है ना, पहले 5 लाख की गाड़ी मिल रही थी अब 3 की, वैसे तो 3 की मिलती भी कहाँ है, सेकेंड हैंड भी नहीं मिलती, ऑल्टो वोल्टो है ना, क्या पता मिल भी जाती होंगी, छोड़ो। तो ये क्या था, सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी टाइटनिंग। अब जब सारी सरकारों ने पैसा खींचना शुरू किया अपने पास, तो उसमें से सबसे अग्रणी था आपका US का, उसने बोला हम पैसा खींचेंगे। अब जब उन्होंने पैसा खींचा तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही है। आपने इंपोर्ट का नाम सुना होगा, हमने एक्सपोर्ट का भी नाम सुना होगा। कोविड के अंदर क्या बंद हो गया, क्या चलता रहा, कोविड के अंदर एक्सपोर्ट हो गया बंद, जनाब इंपोर्ट चलता रहा। इंपोर्ट किसका, ऑयल का, लो भाई दवा के ऑयल आ रहा है इंडिया में, खूब आ रहा है, आ रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। अब क्या हुआ, इस ऑयल आ रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, पैसा है नहीं, खर्चा हुए जा रहा है, तो अब क्या होगा, अब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा घाटा बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं डेफिशिएट और करंट अकाउंट। करंट का मतलब फिलहाल के समय के अंदर घाटा हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हमारा घाटा भी बढ़ रहा था, कोई बात नहीं। अब इतने सारे घाटे के बावजूद भी हम देखना चमत्कार करेंगे बहुत सारे। जो चाइना है, चाइना के अंदर भी स्लो डाउन आ गया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बोला जाता है, सबसे ज़्यादा आइटम चाइना बना के देता है। तो अब क्या होगा, अब चाइना की एक्टिविटीज़ जब कम होंगी तो नुकसान होगा, है ना। तो हमने चार चीज़ें देखी, कोविड-19 आया, देन रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, देन मॉनेटरी टाइटनिंग करी सबने। ये क्या है, सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी टाइटनिंग, ये कीवर्ड हैं भैया आपके, ठीक है। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू द वेरियस एस्पेक्ट, अरे नहीं, सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी, सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी टाइटनिंग, बहुत सिंपल वर्ड, गागर में सागर, इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है, हम भी लिखेंगे। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हुई चाइना के अंदर। अब चीज़ क्या हुई, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया। नॉन फाइनेंशियल डेप्ट कौन सा है, जैसे कि सरकार है ना, अगर एक बैंक लोन देता है तो ठीक है, लेकिन सरकार देता है, हाउस होल्ड देते हैं, बिजनेसेस देते हैं, ये लोन दे रहे हैं, ठीक है, लोगों से होम लोन चुकाए नहीं जा रहे, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू कर रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, बोल रही है लो भाई हम आपको कागज़ पे लिख के देते हैं कि हम जो हैं 90 दिन से पहले आपको पैसा जो है वापस ब्याज समेत दे देंगे, हमको पैसा दे दो भैया, तो ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं। देन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बिल्स, मतलब कि अब क्रेडिट कार्ड से अपना परचेज तो कर लिया लेकिन पैसा ही नहीं है वापस देने का, तो वो भी बचा पड़ा है, तो ये जो सारा डेब्ट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या इससे कुछ होगा, ना ना, अपने इंडिया बहुत खतरनाक है भाई, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से नहीं डरती। सो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया का कर्जा घटा है, अच्छी बात है सर, इंडिया का कर्जा घटा है, बहुत बढ़िया, देखते हैं कैसे घटा है, देखते हैं। पेंडेमिक था सबको पता है, हमारे पास पहले तो कोविड को कोई मान ही नहीं रहा था, चलो नहीं माना कोई बात नहीं, उसके अलावा भी क्या हुआ, हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन अच्छी हुई तो लोग बाहर आने लगे, तो डिमांड बढ़ी, तो फैक्ट्री खुली, तो लोग आए, तो काम हुआ, तो तनख्वाह मिली, तो पैसा खर्च किया और इंडिया की इकोनॉमी एकदम सपाट दौड़ पड़ी। इससे क्या हुई, इंडिया की फुल इकोनॉमिक रिकवरी हुई, अच्छी बात है। देन यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये यूरोप वाले कभी नहीं मानते, हमेशा चौंचिल्लाट में घुसे रहते हैं, तो यूरोप वालों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, देखते हैं भाई। रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, खुरदरा है ना, लोकल जो रिटेल मार्केट में होता है उसमें इन्फ्लेशन देखने को आया। कैसे, ब्रिटेन जो है ब्रेग्जिट कर रहा था, अपना यूरोपियन यूनियन को छोड़ रहा था, ऊपर से रशिया का जो गैस का पाइपलाइन था उसको ऊपर लेके हंगामा था, कोविड पहले से लगा हुआ था, वेव्स के बाद वेव्स आती जा रही थी, माइग्रेंट का इशू था, सब कुछ लड़ाई झगड़ा यूरोप में चल रहा था। अब क्या हुआ, इसकी वजह से इंडिया का भी पैसा जो है यूरोप में फंसा हुआ था, तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन इंडिया में भी बढ़ा,
वहाँ पे महंगाई बढ़ी, यहाँ पे भी बढ़ी। कितनी बढ़ी? 10 महीनों तक है ना बहुत मेहनत करनी पड़ी आरबीआई को महंगाई को कम करने में। कैसे करेगी? रेपो रेट को इंक्रीज करके। देखेंगे आगे हम रेपो रेट का क्या फंडा है, पर गवर्नमेंट अपने पास ज़्यादा पैसे रखेगी, ठीक है, कुल मिला के अभी तक इतना ही है। देन इसके अलावा और क्या क्या हुई? लोकल वेदर के अंदर बुरा हुआ, हीट हुई बहुत ज़्यादा, अनसीजनल रेन्स हुई और फूड के प्राइसेस बढ़े रहने लगे। युद्ध तो हो ही रहा था, चलो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि भाई इतना सब कुछ काम आ रहा है, इम्पोर्ट आ रहा है, बहुत सारा इम्पोर्ट आ रहा है, तो काम करो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को घटा दो, एक्साइज ड्यूटीज़ को घटा दो, कस्टम ड्यूटीज़ को घटा दो, भाई जल्दी से जल्दी जो है सस्ता आइटम इंडिया के अंदर आना चाहिए ताकि महंगाई ना बढ़े। बहुत बढ़िया। इंडिया की जो करेंसी है दो रुपी इज़ वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग करेंसीज वर्ल्ड वाइड, बट मॉडेस्ट डेप्रिसिएशन हमारी करेंसी के अंदर भी देखने को मिला ड्यू टू द एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है। यूएस डॉलर की कीमत बढ़ गई, हमारी जो कीमत है वो कम हो गई, तो हमें और ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक। इससे क्या हुआ? हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट और ज़्यादा बढ़ेगा, हम और ज़्यादा नुकसान में गए। लेकिन हम नुकसान में नहीं गए, क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितने का है? 600 बिलियन डॉलर पैसा है भैया हमारे पास। अमीरों में आते हैं, साहूकारों में आती है इंडिया, ऐसे नहीं किसी से छोटे मोटी जगह पे दब जाए, तो पैसा बहुत है। देन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो थी, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब ऐसा कौन सा जादू है इंडिया के पास कि इंडिया रोके नहीं रुक रही? क्या रीज़न था? आरबीआई ने एकदम मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करी, कैड इंक्रीज़ हो रहा था, प्लेट्यू ग्रोथ हो रही थी एक्सपोर्ट की। प्लेट्यू ग्रोथ क्या होती है कि एक्सपोर्ट मान लो बड़े 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 और फिर उसके बाद ऐसे हो गए एक्सपोर्ट, ये प्लेट्यू बन गया। अब ये एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं रहे, कुछ भी कर रहे हैं बढ़ी नहीं रहे। अब ऐसा कोविड के अंदर हो गया था हमारा, कोई बात नहीं। तो हमारे इंडिया की ना रेजिलियंस पावर बहुत ज़्यादा है, हम हर चीज़ से बहुत अच्छे से लड़ते हैं, हमारे पेरेंट्स हो, दोस्तों, टीचर्स हों, सबसे लड़ते हैं, हम खुद से भी लड़ते रहते हैं हमेशा, कोई बात नहीं भाई, लड़ो। देन डोमेस्टिक स्टिमुलस, मैंने पहले ही बताया था जब वैक्सीनेशन आई तो लोगों के अंदर जो है ना डिमांड बढ़ी, तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक स्टिमुलस, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी, अच्छी बात है। कई लोग है ना, अगर छोटा सा देश है उसके अंदर मान लो चार ही लोग रहते तो क्या ही डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक, तो वो रहते हैं बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड। लेकिन इंडिया के अंदर जहाँ पे चार नहीं, बहुत सारे, हमारे यहाँ पे चार लोग नहीं है, 400 भी नहीं, 4000 भी नहीं है, 1.4 बिलियन पीपल्स, ठीक है, हमारे यहाँ पे, तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी है कि हमें बाहर की डिमांड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत अच्छी बात है। देन हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एकदम टॉप पे निकला, ठीक है, कितना? 58.4% प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब कि अगर 100 रुपये का अगर कोई डिमांड कर रहा है तो उसमें से प्राइवेट कितने की कंजम्पशन कर रहा है, प्राइवेट 100 में से कितना खा रहा है, 100 में से 58.4, मतलब प्राइवेट जब कंजम्पशन बढ़ जाता है तो समझ लो कि अब गाड़ी एकदम दौड़ने पे चली हुई है। वैक्सीनेशन कवरेज पहले से हमने डिस्कस कर लिया, पेंट अप डिमांड मतलब कि देखो जब कोविड के अंदर सब लोग ना एकदम छुप के बैठे हुए थे, लेकिन जैसे कोविड की रेस्ट्रिक्शन हटी सबने कहा सब कुछ खरीद डालेंगे जीवन में, जो भी हमने क्या पता कब मर जाएं, आज ही खरीदेंगे सब कुछ, तो क्या है डिमांड इंक्रीज़ हुई, पेंट अप हुई, एकदम रॉकेट की तरह डिमांड गई, तो ये इससे क्या हुआ इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पटड़ी पर आ गई। देन कैपेक्स डेवलपमेंट, ये कैपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट फॉर्म है ये, है ना, आप लोग वो जेंजी वाला पता नहीं क्या है उसकी शॉर्ट फॉर्म सीखते रहते हो कि इंस्टा की, लेकिन ये अपना जैसे इकोनॉमिक सर्वे वाले, ये इनकी वो है ना कूल बनने की ट्रिक्स हैं। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो हैवी चीज़ों के ऊपर खर्चा होता है, जैसे कि रोड बनाना, हाईवे बनाना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनाना, तो ये क्या है इसके ऊपर होता है जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, लंबे समय वाला खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा हुआ? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, ठीक है। स्टेट को क्या दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती कि एक काम करो यार, कोविड की वजह से बहुत महामारी है, एक काम करो तुम हमसे लोन ले लो। बोले सर अपने पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से लोन लें? बोले एक काम कर, 1, 2, 3, 4 साल नहीं 50 साल बाद वापस लौटा दियो, जा ऐश कर, ठीक है। स्टेट बोले बहुत बढ़िया बात है, अपन तो खर्चा करेंगे, खूब दबा के खर्चा किया, तो लोग मजदूर चाहिए, मजदूर आएंगे, लोग काम कर रहे हैं, मजदूर का मतलब लिटरली मजदूर नहीं है, एक इंजीनियर भी मजदूर ही है, तो क्या हुआ वो सभी ने अपना काम करना शुरू किया, इकॉनमी पटड़ी के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो डबल हुआ है पास्ट 5 ईयर के अंदर, ये आपको याद रखना है। 4.5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 4.5 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी नहीं है, ये लाख करोड़। देखो 2017 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर क्या था, 18-19 के अंदर हमारा क्या था, हमारा था 1.8 लाख करोड़ इंडियन जो है ना हमारा सॉरी खर्चा होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अभी कितना होता है? 1.8 से बढ़ के कितना हो गया,
18 टू जा 36, अभी कितना है हमारा 4.5, डबल से भी ज़्यादा है ना, तूफान मचा दिया हम लोगों ने, अच्छी बात है। क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब जब प्राइवेट चीज़ें चलेंगी तो क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी डिमांड करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आई, अच्छी बात है। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई, कंपनी चली, तो कंपनी पैसा भी कमाएगी, पैसा कमाएगी तो क्या होगा, टैक्स भी पे करेगी, GST और टैक्स कलेक्शन भर भर के गवर्नमेंट के पास पैसा आया, गवर्नमेंट की हो गई भाई बल्ले बल्ले, अब गवर्नमेंट मज़े उड़ा रही है, कोई बात नहीं। देन बैलेंस शीट भी बहुत तगड़ी थी, कौन सी बैलेंस शीट, कॉरपोरेट की। कॉरपोरेट क्या है, वही आपकी बिजनेस इंडस्ट्री है ना, जो आपका शादी में ज़रूर, वो शादी में ज़रूर नहीं, कौन सा वो श्रुति और बिजनेस बिट्टू ना, वही बिजनेस, ठीक है, वो बिजनेस की बैलेंस शीट तगड़ी हो गई। कैसे, हमने देखा ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई भाई, डिमांड बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो प्राइवेट इंडस्ट्री के पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो उसकी बैलेंस शीट तगड़ी होगी, ठीक है, तो अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। डेब्ट डिक्रीज़ हुआ, बहुत बढ़िया, कर्जा कम हुआ, ओहो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, हमने ऑलरेडी देख ही लिया, कोई बात नहीं। देन आगे बढ़ते हैं, फिर और क्या क्या चीज़ें हुई। बैंकिंग सेक्टर एकदम टॉप क्लास चला, ठीक है, कैसे चला, कोविड में हमने देखा कि लोग बैंक में नहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे कोविड खुला बैंक एकदम मज़े मज़े में आ गया, क्यों, क्योंकि भाई प्राइवेट इंडस्ट्री है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री चल पड़ी थी, डिमांड चल पड़ी थी, प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या चाहिए, लोन, तो लोन दिया गया बैंकों द्वारा, कितना लोन दिया गया, डबल डिजिट के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर जो क्रेडिट की जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट हो गई, इतना लोन दिया गया, और जो MSME है उसके अंदर तो 30% तक का इजाफा देखा, कि मान लो अगर जो है ना पहले MSME 1 करोड़ लोन ले रही थी, अब MSME कितना ले रही है, 30.5%, सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, मान लो पहले 100 ले रही थी तो अब 130.5%, ठीक है, तो ये आपका आंकड़ा है, डाटा है, थोड़ा सा याद रखना है कि MSME 30% के अराउंड, 30.5 भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि भाई 30% के अराउंड जो है MSME के अंदर क्रेडिट ग्रोथ देखी गई है, क्रेडिट ग्रोथ मतलब कि लोन लेना, लोन की ग्रोथ इंक्रीज हुई है। ये ग्रोथ इंक्रीज क्यों हुई है, अब इन्होंने भी बोला होगा है ना कि माई बाप हम पैसा तो ले लेंगे लेकिन काम कैसे चलेगा, तो यहाँ पर उनको क्या बोला होगा सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कि भाई देखो हमने स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिया है, 50 साल के लिए लोन दिया है, तुमको तो हम ऐसा दे नहीं सकते कि भाई 50 साल के लिए, एक काम करो, तुम्हारी हम गारंटी दे सकते हैं, अगर तुम्हारा लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, अगर तुम्हारा धंधा नहीं चलता तो हम उसको पे कर देंगे, इसको बोलते हैं एमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, एमरजेंसी है भाई, कोविड की है, तो क्रेडिट लिंक मतलब जो आप लोन दे रहे हो उसको हम लिंक करेंगे गारंटी के साथ, हम देंगे, आप लोन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है ना, तो लोन प्रोवाइड किया, साथ में क्या बोले कि भाई अगर किसी का दिवालिया निकल गया तो क्या होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड आएगा, तुरंत बोलेगा एक काम करो, इसको इससे पहले ही और घाटा करे, इसको एकदम खाली करो, ठीक है। साथ में PSB को कैपिटलाइज किया गया, PSB मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, क्या बोले कि भाई जो तुम्हारा घाटा है घाटे को कम करो, हम पैसा दे दें, सरकार ने पैसा झोंका इसके अंदर। इसके अलावा और क्या क्या हुआ, कॉरपोरेट बॉन्ड्स की यील्ड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, ये क्या है, देखो भाई एक तो है जब कोविड आई इंडिया के अंदर तब क्या हुआ, सारे लोग बाहर पैसा भेजने की सोचने लगे कि यार एक काम करते हैं बाहर पैसा भेज देते हैं, अब बाहर पैसा कैसे भेजेंगे जब अपने ही पास पैसा नहीं है, तो चीज़ें कैसे चली, चीज़ें ऐसे चली, ECB के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंड हो गए, एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग की, मतलब इंडिया के तो अंदर पैसा है ही नहीं, तो लोगों ने क्या कहा, हमें पैसा चाहिए तो हम बाहर से मंगवाएंगे, ठीक है, तो अब विदेश से पैसा लाने लगे, विदेश वाले पैसा फ्री में थोड़ी ना देंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इनके सामने भी यही प्रॉब्लम आई कि बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अब क्या करेंगे। इनके लिए एक सॉल्यूशन आया गवर्नमेंट ने दिया, क्या बोला कि यार देखो अपनी जो यहाँ पे है ना बैंक्स वगैरह हैं या जो जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं एकदम तड़ातड़क काम कर रहे हैं बहुत एकदम फैंटेस्टिक तरीके से, तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होगा, तो अब आप लोन उठाइए, आपकी अगर आप लोन उठाएंगे आगे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो इन्होंने लोन उठाए तो बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, यहाँ की बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, तो लोगों ने कहा भाई अपने घर में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बाहर से क्यों मंगाएं, तो क्या हुआ इंडिया में ECB को लेस अट्रैक्टिव बना दिया गया, कोई बात नहीं। फिर इन्फ्लेशन, महंगाई भी इंडिया ने ज़रा कंट्रोल में कर ही ली, 0.8% मतलब 10 महीने के लिए रहा था, हमने पहले देख लिया था। इसके अलावा और क्या है, हमारी ग्रोथ इंक्लूसिव हुई, इंक्लूसिव क्या बोलते हैं कि मतलब हर जगह तक हर तबके तक पहुंची, हमारी ग्रोथ को इंक्लूसिव तब माना जाता है जब ये जॉब्स क्रिएट करे, है ना, ये चीज़ आप इकॉनमी के अंदर वैसे दिमाग में नहीं घुसेंगी लेकिन यहाँ पे आएंगी क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में है, अच्छी बात है। तो क्या बोले,
बोलने वाली बात यहाँ पे है, एकदम सारा समरी यहाँ पे लिखा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट भैया क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ डिक्रीज, 7.2% पे अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है। देन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये क्या बीमारी है भैया, ये रही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कि मान लो अगर 100 लोग काम करना चाहते हैं और उनमें से कितने लोगों को काम मिल रहा है, तो ये क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो वो इंक्रीज हुआ, लोगों को काम लोग काम के लिए आने लगे और ज़्यादा काम मिलने लगा। इससे क्या हुआ, काम होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ा, काम होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो भाई पेंट अप डिमांड, डिमांड भी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है। ऊपर से इंडस्ट्रीज़ को कोई खतरा भी नहीं था, क्यों, एक्सपोर्ट एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम उनके पास पहले से थी, पैसा उनके पास वैसे ही था, माइक्रो एंटरप्राइज एकदम बल्ले बल्ले हो रहे, हमने पहले ही देख लिया। MSME कितनी परसेंट की ग्रोथ पे थी, क्रेडिट ग्रोथ पे 30.5% की क्रेडिट ग्रोथ पे, और हमारा बैंक डबल डिजिट ग्रोथ के ऊपर जा रहा था क्रेडिट देने में। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अब इतना सारा पैसा आ गया तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, GST का कलेक्शन इंक्रीज होगा, है ना। तो दुनिया मरती मरती मर गई, लेकिन इंडिया के ऊपर कुछ नहीं हो सका, है ना, जाके राखो साइया मार सके ना कोई, अच्छी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इंडिया बहुत इंटेलिजेंट है, हमने बोला MGNREGA के लिए काम करवाते हैं और हम असेट का क्रिएशन करवाते हैं, कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि खड्डा खोदो ज़मीन भरो, खड्डा खोदो ज़मीन भरो, ऐसा होना चाहिए कि कुछ अच्छा हो, है ना। तो असेट का क्रिएशन हुआ, जैसे हॉस्पिटल बनवाए गए, अलग अलग चीज़ें हुई, अच्छी बात है। देन PM किसान, है ना, वो जो 6,000 रुपये जाते हैं 2,000 करके साल में 3 बार, वो गए। PM गरीब कल्याण अन्न योजना की लोगों के लिए राशन दिया गया, कि भाई अब लोगों को राशन दिया गया तो खाने के ऊपर जो खर्चा है वो कम हो गया, अब उस खर्चे से क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। PM किसान के अंदर लोगों के पास क्या गया, पैसा, पैसा गया तो क्या बढ़ेगी, डिमांड, खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। तो इकोनॉमी ऐसे काम पे लाई जाती है। देन आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, अब इन सारी चीज़ों का प्रूफ क्या है कि सब कुछ अच्छा हो रहा था, है ना। सिर्फ हम इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी नहीं देखनी, लोगों के अंदर जीवन में कुछ बेहतरी आई, बिल्कुल आई जी बेहतरी, क्या आई देखते हैं। स्टंटेड जो चिल्ड्रंस थे उनकी जो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, वो घट गया। जैसे कि पहले कितने परसेंट जो है ना वो स्टंटेड हुआ करते थे बच्चे, 38.4%, अब कितने हैं 35, लगभग 2.9% का डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। ये आपको 35.5 ना याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना रखना है 35 के अराउंड ही रहा है, ठीक है। देन ये 20 के अराउंड रहा है, कौन सा, वेस्टेड, वेस्टेड मतलब वेट के हिसाब से, है ना, एज के हिसाब से, सॉरी हाइट के हिसाब से जो है, जब वेट नहीं बढ़ता तब उसको क्या बोलते हैं, वेस्टेड। तो वेस्टेड बच्चों की भी संख्या हमारे यहाँ पे कम हुई है, मतलब हमारा हेल्थ इम्प्रूवमेंट सिस्टम अच्छा हुआ है। देन अंडर वेट, वो भी कम हुआ है। कुल मिला के तीनों के अंदर हमारे पास इम्प्रूवमेंट है, कौन कौन से में, स्टंटेड में, वेस्टेड में, अंडर वेट में, बहुत अच्छी बात है। देन ऐसा किसने बोला है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये भी बोला है कि रूरल वेलफेयर इंडिकेटर भी अच्छे हुए हैं, जैसे कि जेंडर, गांव के अंदर महिलाएं जो हैं, सॉरी जेंडर सेक्स रेशियो अच्छा हुआ है, फर्टिलिटी रेट अच्छी हुई है, कंट्रोल हुआ है, XYZ करके सारी चीज़ें चली, कोई बात नहीं। अब जो एक डायलॉग आपको हर जगह चिपकाना होता है, क्या, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ PPP एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज, ये चीज़ आपको डायलॉगबाजी याद रखनी पड़ेगी। तो आपको पता चला जब आपसे पूछेंगे कि राइट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इन द ब्रीफ, ठीक है, तब आप क्या बताएंगे, यही बताएंगे, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द PPP एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द मार्केट एक्सचेंज, पांचवें नंबर की है भैया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे कि जी हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.4 का, हमारे पास $600 बिलियन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। बोलने की, सोचने की कोशिश कीजिए कि हमारे जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 6 to 6.8, हमारा एग्रीकल्चर कितना है, 3.5 GVA, हमारा इंडस्ट्री कितना है जी, 4.1, हमारी सर्विस सेक्टर कितना है जी, 5 आपका 9.1, और आपका पास जो है क्या बोलते हैं उसको, फॉरेक्स रिजर्व वो कितना है, लगभग $600 बिलियन के आसपास है, क्रेडिट ग्रोथ रेट फैंटास्टिक चल रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इन मार्केट एक्सचेंज, बहुत बढ़िया। इससे क्या हुआ, ये आपका डायलॉग बाजी, कौन कौन सी, जैसे कि रिकूप, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वापस से पटड़े पे आई, RC रिकूप, फिर RR क्या होता है, RRR मूवी का नाम नहीं है, ये आपको यहाँ से याद रख सकते हो, RRR, ठीक है, लेकिन रिकूप, दोबारा से इंडिया की इकोनॉमी वापस से कूप करके एकदम स्वामित्व के अंदर आई, दोबारा से रिन्यू हुई, रिन्यूड। देन थर्ड री एनर्जाइज, दोबारा से इंडिया के अंदर एनर्जी आई, ये डायलॉग बाजी है, यही डायलॉग बाजी आपको सीखनी है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ पता है कितनी है, 2.7, कोविड के समय में गिर गई 3.2 से 2.7, इंडिया की कितनी है, 6 to 6.8, देख पा रहे हो,
इंडियन इकोनॉमी का क्या है, ये चीज़ हैं जब आपको रिलेट करने में हेल्प करेंगी, यही चीज़ हैं भैया जो आपको रिलेट करने में हेल्प करेंगी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो यही आपकी सारी बात थी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। हमने एम जी नरेगा से भी काम अच्छा करवा लिया, फिर उसके बाद और क्या क्या है हमारे यहाँ पे, स्टंटेड जो बच्चे हैं उनकी भी संख्या कम हुई है, वेस्टेड वालों की भी कम हुई है, अंडर वेट की भी कम हुई है, सब बढ़िया है, सब चंगा सी। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको पता चला होगा इसमें से कौन सी वो चीज़ है, मेरे को बताओ, जो नेक्स्ट ईयर एकदम विपरीत हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। ये आरसी तब भी काम आएगा, आरआर तब भी काम आएगा, ये जो जो वर्ल्ड का ग्रोथ रेट है तब भी ये 2.7 से 3 के ऊपर ही पहुंचेगा, कुछ नहीं बदलना इसका, ऐसे कैसा रहेगा। ये क्या है, ये आपको अपनी मसल मेमोरी के अंदर लेके आना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और बेसलाइन जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की कैसी होनी चाहिए, 6.5 पहले से बता दिया। ठीक है, ये क्या है कि इंडिया के अंदर जो है ना ग्रोथ का आउटलुक कैसा है, कि कैसे चलेगी इंडिया। भाई हमारे यहाँ पे सप्लाई चेन एक नंबर की चल रही है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशनरी इंपल्स, ठीक है, चाइना की इकॉनमी दोबारा से शुरू होगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल टू इंडिया प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ गया भाई, ठीक है सर, आगे बढ़े। ये रहा, देन कुछ हल्का सा याद रखना है कि रुपीज़ हैज़ परफॉर्म्ड बेटर इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज। क्यों, हमारी इंडस्ट्री ड्रॉप कर रही थी, किसी की बस की नहीं थी हमें टच करना। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी का फोरकास्ट कितना है, 6.5 to 7, वही 6 to 6.8 बोल दो, 6.5 to 6.8 कुछ भी बोलो यार, लेकिन 7 से नीचे है, 6.5 से ऊपर है, इतना ध्यान में रखना बस। देन इंडियन इंक्लूसिव ग्रोथ इज विजिबल, विजिबल क्यों है, हमने सब कुछ देख लिया। इसके अलावा और क्या क्या है, उसके अलावा और क्या है, ये है उसके अलावा क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले की टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कितने की हुई है, 10 लाख करोड़ की, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितनी हुई है, 10 लाख करोड़ की, 3.3% है जीडीपी का, कितना है, 3.3% है जीडीपी का, राइट, कितना है, 3.3% है जीडीपी का, 10 लाख करोड़ इंडिया ने खर्च किए किस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, अच्छी बात है। देन प्राइवेट जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैसे बढ़ी हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट बनाया जो प्राइवेट को बोलेगा कि भाई आईएफएस है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस तो यही है भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट। ये क्या बोलते हैं कि आओ भाई आओ और प्राइवेट लोगों को कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो। साथ में क्या बोला, कोलेट्रल फ्री, मतलब कोई चीज़ गिरवी नहीं देनी और आपको क्रेडिट मिलेगी, क्रेडिट की गारंटी हम देंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने पास एक फ़ंड भी बनाया, उस फंड का क्या नाम है, 2 लाख करोड़, किसके लिए, एमएसएमई के लिए, बहुत बढ़िया। इसी वजह से तो एमएसएमई डबल डिजिट ग्रोथ में अपना जा रही थी क्रेडिट के अंदर, समझे, जिसे समझनी होती है। देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से पीएम किसान, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, देन प्रधानमंत्री जनधन दर्शक बैंक अकाउंट, उज्ज्वला स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, सारी चीज़ों से इंडिया की जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखी गई है। तो समझ में आया अभी तक कितना है, तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख करोड़ की, और 3.3% है जीडीपी का, कोलेट्रल फ्री गारंटी के लिए इंडिया ने कितना, हमारे एमएसएमई के लिए कितना बचा के रखा गवर्नमेंट ने, 2 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 था, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। बाकी चैप्टर हम करेंगे, अभी करें नहीं, आधे घंटे की वीडियो बहुत होती है, आधे आधे घंटे की वीडियो अपलोड करेंगे, मैं तो आज ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, हैव ए नाइस डे, ये तो बोलना भूल ही गए है ना, हैव ए नाइस डे।